Hey guys, welcome to my new blog. और अभी बस हम लोग आए हुए हैं और बैठने के लिए, और ये मेरे हाथ से 50 का नोट गिर गया था। तो हाई करो सबको, हाई करो, सबको जान रहा है। पिछली बार लोग कमेंट कर रहे थे कि कौन डांस कर रहा है, कौन किस कर रहा था। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, दे डू। हाँ, और चलिए फिर आगे दिखाता हूँ और आगे क्या सब होता है। तो हम लोग गाइस स्टेडियम में हैं और ये देखिए हमारा गांधी स्टेडियम कैसा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, और चलिए देखते हैं और क्या सब है। और हम लोग अभी अपने धन्नों पे बैठे हैं, जो कि शोले फिल्म का लेजेंडरी हायाभूसा। यस, प्रशांत का हायाभूसा है वो, है ना प्रशांत? हायाभूसा कब उतार रहा है? बोलो ना यार, तुम्हारा हायाभूसा हायाभूसा जब ये क्लास 11 10th में था ना। अरे मतलब करवाने के लिए तो बोल देंगे झूठ क्या ना। ठीक है, आपको बाद में बताता हूँ। तो हाँ गाइस, तो ये जिला अधिकारी का ऑफिस है, मतलब डीएम ऑफिस है, और बाहर में कुछ पेंटिंग्स वगैरह हो रहे हैं। ये आप देखिए, छटनी वटनी हुए हैं, और भाई से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो हाँ गाइस, तो अभी भाई के हैं और चलिए पूछते हैं क्या हो रहा है। शायद बिहार दिवस आ रहा है, इस वजह से सारे रिनोवेट हो रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह के कलाकार भैया मेरे बना रहे हैं। तो भैया थीम क्या है इस चीज़ का? ये थीम है दहेज प्रथा, नशा मुक्त, बाल विवाह और जल जीवन हरियाली, नल जल, यही सब चीज़ें। अच्छा, तो ये पूरे देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा रिनोवेट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये रहा अंदर डीएम ऑफिस, है ना। चलिए चलिए, तो फिर मैं आपको कैच करता हूँ, है ना। तो हाँ गाइस, अभी हम लोग बाइक पे हैं, और आपको जैसा बता रहे थे कि प्रशांत जो है 11 12th में था, तो उस टाइम मेन मार्केट। ये देखिए रफेट किया, यही था बावर्ची होटल जहाँ पे हम लोग का आपका पहला ब्लॉगिंग। ये 5000 साल पुराना मंदिर तो नहीं है, लेकिन पता नहीं, मेरे जन्म से पहले का मंदिर है। ये देखिए, ये सदर अस्पताल देखिए रेनोवेट हो रहा है, और ये रहा देखिए सदर अस्पताल देखिए कैसा बन रहा है। और ये प्रशांत सही से बाइक चला रहे हैं, इसी अस्पताल में भर्ती कर देंगे, ज्यादा नाटक नहीं करो। और ये अरे गोलगप्पे वाले भैया कहाँ है ठेले में? ए देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी हैं, जहाँ तहाँ बैठे रहते हैं। आइए जल्दी गोलगप्पे खिलाइए, तब भैया आए कर दीजिए सबको। ठीक है गाइस, तो खा खा के बोलते हैं कैसा लगता है। ये देखिए बेरोजगार रहने के दो कारण, या तो आप घर पर खाली बैठे हैं, या अपनी मेहनत की दिशा गलत है, दिशा बदल लीजिए, है ना। अगर आप पश्चिम दिशा में बैठते हैं, पूरब में बैठ जाइए। ये देखिए ये सर है, गोलगप्पे खाने के बाद बहुत तीखा बना था, और जा रहे हैं अनुपम मिष्ठान भंडार। ये तो पेमेंट करो पहले, पूछो ना। यहाँ चार्ट बनता है,
अचार बना रहे हैं। मैं प्रशांत, तो अब ये छोड़ गया, चलिए अब पैदल जाया जाए। हे गाइस, तो अभी अब अपने घर पहुंच चुके हैं, टिंग टोंग करते हैं, और अब फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय।